है सीएसके वर्सेस लखनऊ का मैच, और इस मैच में टॉस जीत के एज यूजुअल लखनऊ ने फिर से फील्डिंग ले ली यार। मतलब उनको टारगेट चाहिए यार। मैं तो सुना था लखनऊ डिफेंड अच्छा करती है, बट ये तो पता नहीं सीएसके के अगेंस्ट टारगेट मांगने चल रही है। बट एनीवेज काफी बढ़िया खेली थी पिछली वाली मैच, एंड आई होप कि इस बार सीएसके फैन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस बार हम लोग पे बैक जरूर करेंगे इनको। इनसे जस्ट आया हूँ, एंड जैसे ही आऊँ यहाँ पे ये बैकग्राउंड में देख सकते हो ये लोग कुछ बता रहे हो, और ये जॉन्टी रोड्स पता नहीं क्या टिप्पणियां दे रहे थे इसको, ये यंग बॉलर को, पता नहीं यंग बॉलर है लाइक डोमेस्टिक प्लेयर है, अनकैप्ड है, इसका याद नहीं है बिकॉज मैं लखनऊ के टीम को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। एंड पहले ही हमारे रहाने भाई का भी विकेट निकल चुका है। आप लोग अगर देखे होगे ना पहले कि जब 2013 या 2014 अपना चल रहा था, तब हम लोग बोलते भाई 200 हो गए, भाई 200 हो गए, मतलब ऐसे, फिर तो हार गई टीम। फिर जब 2018-19 भाई पता है 200 कर दिए, लग रहा है जीत जाएगी, लग रहा है जीत जाएगी, अब लोग भाई सिर्फ 200 ही हुए हैं, कुछ नहीं, पक्का हारेगी भाई, 250-300 टारगेट, पता नहीं इस बार। और एसआरएच तो मत पूछो भाई, एक अलग ही रिकॉर्ड सेट करने में लगी है, मतलब लग रहा है उनका टारगेट है इस बार हम 300 प्लस करके ही रहेंगे एक मैच में। एंड कैसे क्या चलती है मैं अपनी राय जरूर दूंगा, तो बने रहना और वीडियो को आखिरी तक देखना, इस बार हम जीतेंगे। और अगर वीडियो देखते तक तो आपको पता चल गई होगी कौन सी टीम हार रही है, कौन सी टीम जीत रही है, फिर क्या कर सकते हैं अगर चेन्नई हार गई तो। लेकिन कुछ भी बोलो, ये ऋतुराज के जो ड्राइव्स रहते ना, मतलब जो शॉट्स खेलते हैं ना, कवर ड्राइव पॉइंट पे जो चार मारते हैं, वो फोर्स जो मारते हैं ना, पर क्लासिक शॉट्स लगते हैं, मतलब प्रॉपर प्योर, मतलब क्या बोलते हैं, रॉ बैट्समैन जैसे मारता है ना वैसा, ये जो सुप्ला शॉट ये सब वैसा टाइप का नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन जैसे मेरे को लगता है। मतलब हम लोग थोड़े 90s के किड है, मतलब इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत ये अच्छा लगता है देखने में कि जब कोई क्लासिक क्रिकेट जब खेलता है। लेकिन आजकल तो मतलब पल्लू को पीएस को अब तो धोनी में मारने लग गया भाई। सो अभी 6 ओवर्स कंप्लीट हो गए एंड पावर प्ले में 54-2, मतलब 49-2 50 कर लिया आसपास, लेकिन 4-2 जो है ना वो मतलब क्या ही बोलूं, डैरन मिचेल भी चला गया और अपना अजिंक्य रहाणे भी शुरुआत में चला गया। लेकिन इस बार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रचिन रविंद्र बहुत बढ़िया शुरू किया था जब आईपीएल शुरू हुआ था फर्स्ट मैच आरसीबी अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद से वो चला ही नहीं। अब मैं क्या बोलूं, मतलब ये न्यूजीलैंड वाले जो डेरिल मिचेल और ये रचिन रविंद्र, कुछ प्लानिंग है क्या? ये रचिन रविंद्र को ना मैं जडेजा के साथ कंपेयर करता हूं, बल्कि चलो आप टीम में दो दो जडेजा होंगे, बट ठीक है, अब बैटिंग अगर सही से कर लेता जैसा फर्स्ट मैच में, तो मैं तो सोचा था कि बहुत बढ़िया। लखनऊ एक्चुअली में बहुत अच्छा खेल रही है, एंड आई होप कि एटलीस्ट इस बार 200 प्लस का तो टारगेट दे, वरना मुझे नहीं लगता कि ये मैच जीतेगी आराम से। और ये जडेजा आजकल बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, लास्ट मैच में भी आया था, इस मैच में आया था, मतलब कैप्टनशिप बहुत चेंजेस ला रही है ना, तो मजा आ रहा है देखने में अभी। एंड गायकवाड ने कर लिया फिर 28 बॉल्स में 50 कर लिया, लेकिन बहुत ही क्लासिक शॉट्स खेले 28 बॉल्स में 50 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट के साथ 50 किया। लेकिन दूसरे साइड में जडेजा आगे आ जाता है, मतलब टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए, बट सही है। लेकिन अब तक 13 बॉल में 11 कुछ जमा नहीं, मतलब 9 ओवर हो गए, 74 कुछ बड़ा सीन बना नहीं है, और 50 के साथ इसका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी अभी 2 मिनट का लगेगा, 200 तक जाना है भाई, और 11 ओवर में 200 तक, मतलब 100 प्लस 130 मार पाएंगे 11 ओवर में, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन लेट्स सी। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, आखिरी ओवर में अपना थाला आएगा और ऐसे ही छक्के पे छक्के जड़ देगा कि 200 या 300 तक पहुंच सकते हैं, कुछ ज्यादा बोल गया, बट हाँ इतना ही एनर्जी आता है जब वो बैटिंग करता है। तो 2 विकेट के लॉस में कुछ 84 हुआ है, 10 ओवर हो चुके हैं, एंड अगले 10 ओवर में 120 अगर मारेंगे तो लगेगा जीतने जैसा। वेट करते हैं कि आखिरी के 5-6 ओवर में पता चल जाए कि स्कोर क्या होने वाला है। अभी के लिए प्रोजेक्टेड स्कोर तो कुछ 166 है 10.2 ओवर्स के आसपास। चलो जब से ये इंपैक्ट प्लेयर भी आ गया ना ये आईपीएल में, बॉलर की तो बैंड बजी पड़ी है, और उसके साथ ही 200 या 210 भी कम लगता है, मिनिमम 220 230 प्लस दोगे तो लगेगा कि हाँ भाई डिफेंड कर सकते हैं, वरना तो फिर बॉलिंग यूनिट को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुछ भी बोलो, गलत तो बहुत हो रहा है यार चेन्नई के साथ, मतलब ये जडेजा को लाना एक अच्छा चीज था, लेकिन अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर लेता तो फिर बढ़िया रहता। मतलब यार 19 बॉल में 16 रन दिख रहा है यहाँ पे, 19 बॉल में सिर्फ 16 रन बनाना इज नॉट गुड, स्ट्राइक रेट तो छोड़ो, एटलीस्ट बॉल टू रन का इशू वो तो सही रख लेते, बट कोई नहीं, अभी दुबे साहब आएंगे वो मारेंगे, फिर थला आएंगे वो मारेंगे, फिर हमारे आए दुबे साहब, एंड ये हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, पता नहीं चौथा सिक्स लगेगा कि नहीं, लेकिन जितने कद के हिसाब से वो जितना लंबा है उतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है, एंड 24 बॉल में 53 का पार्टनरशिप बना लिया गायकवाड़ के साथ, बहुत बढ़िया भाई, यही चलता रहे, बस आखिरी के 2 ओवर थला आ जाए, देखते हैं ये फोर्थ बॉल में सिक्स होता है कि नहीं, एंड नहीं यार डेड होगी। 17 ओवर कंप्लीट हुए और 3 ओवर बचे हैं और थाला पैडअप करके रेडी हो रहा है, उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। एंड इसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 बॉल्स में कर लिया अपना सेंचुरी, काफी बढ़िया है, 4 के साथ सेंचुरी कंप्लीट की है, कमेंट्री चल रही है बैकग्राउंड, वो भी सुन रहे होंगे, यार इस बंदे का फ्यूचर बहुत बढ़िया, 56 बॉल्स में 103। फिर दुबे दादा वो क्यों पीछे रहे, वो भी अपने बहुत क्लासिक 230 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 के साथ उसने भी मतलब अपना 50 कंप्लीट कर दिया, हाफ सेंचुरी, 55 ऑफ 22, 211 लखनऊ के लिए, एंड आई होप कि जीत जाए इस बार सीएसके, कमबैक फाइट। पिछली बार जो 2 लोगों ने अच्छे से खेल के पूरे चेन्नई की टीम को हराया था, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, वो पावर प्ले के अंदर ही हो चुके हैं आउट, एंड काफी बढ़िया चल रहा है अभी मैच।
मतलब ज़्यादा अच्छे से ना खेले तो और भी अच्छे से चलेगा मैच अपने हिसाब से, बिकॉज मैं हूँ चेन्नई का फैन। आपको अच्छा लग रहा है ऐसे कहने के वीडियोस, तो मैं सारे मैचेस के भी बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बात यह है कि पिछले वाले वीडियो में मेरे को काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स मिला था इन टर्म्स ऑफ व्यूज एंड लाइक्स। बट हाँ, ये बात जरूर है कि कमेंट्स में ज्यादा कुछ आया नहीं था, इसलिए मैं इतना बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ सीएसके का बना रहा हूँ। मे बी सीएसके फैन फॉलोइंग ही फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। ये स्टॉइनिस जो लगातार दो छक्के मार चुका है मोइन अली को, मतलब लग रहा है कि यही आज मैच जीतेगा लखनऊ। एंड अभी लखनऊ के एक प्लेयर स्टॉइनिस, वो भी एक माइलस्टोन अचीव करते हुए, माइलस्टोन इन द सेंस कि एक बड़ा स्कोर अचीव करते हुए खुद 50 कर लिए 27 बॉल्स में। देवदत्त पडिक्कल के स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग कर रहा था इज इक्वल्स टू रविंद्र जडेजा की बैटिंग। मतलब एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आप मिडिल ऑर्डर के साथ कंपेयर कर सकते हो, वो ऐसी इसको। मतलब अब लग रहा है कि हाँ भाई, जडेजा की स्ट्राइक रेट और उसकी बैटिंग कुछ खराब नहीं थी, खराब होती अगर ये टीम अच्छी खेल रही होती। अब पडिक्कल भी वही कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पिच बहुत ज्यादा स्लो है, बैट पे बॉल बहुत स्लो आ रहा है। एंड बढ़िया हुआ कि चेन्नई का पिच है, तो चेन्नई ने काफी बढ़िया रन बना लिए हैं, टारगेट काफी बढ़िया दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब तो लग रहा है कि लखनऊ हार जाएगी। ऑलरेडी 4 विकेट डाउन हो चुके हैं, बट कुछ कह नहीं सकते बिकॉज स्टॉइनिस अभी भी है एंड पूरन अभी जस्ट आया है 11 ओवर में, एंड पूरन अगर चाहे तो पूरा मैच फिनिश कर सकते हैं। एक तो स्टॉइनिस और भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आज बैटिंग कर रहा है, और ऊपर से एक फ्री हिट मिल गया, अब पता नहीं इसमें क्या करते हैं। ओ गुड वन, बच गया यार, डॉट बॉल बनी फ्री हिट। जी स्ट्राइक रेट के साथ अभी पूरन और स्टॉइनिस बैटिंग कर रहे हैं, अब तो लग रहा है कि लखनऊ जीतने वाली है। कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज अभी जैसे 6-4-6 शार्दुल ठाकुर के ऊपर बरसा गया, 27 में 58 चाहिए, आराम से मैच जीत सकते हैं। और विकेट भी नहीं गिरे यार, 3 ही विकेट गिरे 153 और 15.3 ओवर्स में। वाह, 153 फॉर 3 इन 15.3 ओवर्स, देखते हैं ये बॉल क्या होता है। चलो कैच तो दे दिया है एंड देखते हैं कि ये क्या होता है। 3 लोग खड़े थे, कोई कैच नहीं पकड़ा, हम बस मैच देख रहे हैं। अभी बोले तो दुख दुख सा हो रहा है बिकॉज स्टॉइनिस का भी चल रहा है DRS, पता नहीं, आई होप सो LBW, मुझे इतना लग रहा है ये अंपायर कॉल में जाएगा। यार ये तो पूरा उल्टा ही पड़ गया, पूरा आउटसाइड द लेग स्टंप था। अब तो स्टॉइनिस भी 56 बॉल में 100 कर लिया यार, मतलब सब बराबरी में चल रहे हैं, बोल नहीं सकते कुछ भी। सोचा था खुशी खुशी एंड करूंगा वीडियो को, बट क्या कर सकते हैं, लखनऊ जीत गया। ये स्टॉइनिस ने IPL 2024 में सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बना लिया, और अपने लाइफ का भी IPL में पहला सेंचुरी मारा, वो भी मारा तो चेन्नई के अगेंस्ट मारा। हाँ, ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है, बड़ा रोल प्ले किया यार, एक बार बॉल भी चेंज हो गई, काफी ज्यादा बॉल गिला हो गए थे, एंड ये मेजर रीजन हो सकता है हारने का, बिकॉज अच्छा स्कोर था, अच्छा डिफेंड लाइक ये भी था, एंड एक मेजर रीजन 3 नो बॉल डाल दिए यार चेन्नई ने, तो वही चीज है कि नहीं करनी चाहिए थी बस। अगले व्लॉग में एंड पता नहीं अगले हाईलाइट वाले वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर एंड बी द रीजन समवन स्मेल्स टुडे। बाय बाय।